वैल्यू इसलिए नहीं हम समझते, हमने कुर्बानी नहीं करी, हमने योगदान नहीं दिया, हमें ऐसे आज़ादी मिल गई है, फोकट में आज़ादी मिल गया। उन घरों को पूछो, लाशों की लाशें ढेर बिछ गए, खून की नदियां बैठ की, तख्तों पर लड़ गए, पैंसठ पैंसठ आदमी जिंदा तोपों के आगे उड़ गए। बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हमने पाई आज़ादी, मगर साथ जुम्मेवारियाँ भी लाई आज़ादी। हम उनकी कुर्बानियों को ध्यान करें जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर आज़ादी लाई, उनकी अमानत है। हमारे गुरु पीर पैगंबर देशभक्तों की अमानत है। आज़ादी हमने नहीं ली, हमारे बुजुर्गों ने ली है। हम उस खून से हैं, जियो तो जियो देश के लिए, अपने लिए क्या जिए। हमारा जन्म हुआ कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर रोड पर, कुआलालंपुर थाना जिसका नाम कुआलालंपुर रोड था, उस थाने में जन्म हुआ हमारा 1936 को। तब हमारे पिताजी वहाँ थानेदार थे, माताजी बातें सब बताया करती थी। एक दफ़ा एक कहती अंग्रेज़ घर में आया, वो 10 रुपए किसी बच्चे के हाथ पर रख गया, उसी दिन 20 रुपए का नुकसान हो गया। सारी ज़िंदगी में 1 रुपया कभी भी रिश्वत का हमारा पिताजी नहीं लाए थे। 6 भाई एक बहन, एक दिल्ली में सब इंस्पेक्टर था, एक मिलिट्री में था, 20 अक्टूबर चाइना की लड़ाई में शहीद हो गया, सबसे आगे टेंट था। अब हम रह गए अकेले, सारे भाई बहन समाप्त हो गए, हम अकेले रह गए बस। पिताजी सुपरिटेंडेंट पुलिस थे मलाया में, जब रिटायर हो गए आए 40 में, जब गड़बड़ ज़्यादा हुई तो अंग्रेज़ों ने पेंशन दे के भेज दिया कि आप देश में जाओ, ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। माताजी बताती थी जब हमारा जहाज लगा, डूबने लगा था, कितने दिन पानी में फंसा रहा, पानी वाले जहाजों में आते थे, कलकत्ते में लगा। उस दिन जिस दिन हमारा जहाज कलकत्ते में लगा, बर्मा के अंदर पहले दिन बमबारी हुई। इधर हमारा जहाज लगा, कलकत्ते के अंदर बमबारी हुई, इतनी जोर लड़ाई पकड़ गई। आज़ादी में हिस्सा दिया पिताजी ने। रिटायर होकर जब आए खेती करने लगे, हम 7वीं में पढ़ते थे 47 में, एक आना चंदा होता था महीने का। आज़ादी का मज़ा जैसे हमने देखा है, वो हमें पूछो आज़ादी की कदर क्या है। हम अपने जीवन में सबसे मानवता को, असलियत को, सत्य को, धर्म जो है सत्य का नाम ही है, जिसके अंदर मानवता नहीं, अपने आप किसी धर्म के कोई धर्म किसी का नाम नहीं है। धर्म नाम है कर्म का, जय कर्म अच्छा करता कहता हर आदमी, कहता है महापुरुष जय धर्मी आदमी है। धर्म का नाम कर्म का है, किसी जाति का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी देवती देवते का नहीं, किसी पीर पैगंबर का नहीं। नाम धर्म का है, अच्छे कर्म का है। अच्छा कर्म करने वाले को कहता कि धर्मी आदमी है। हमने संघर्ष, अन्याय, जुल्म, मानव के हानिकारक, खास करके जो पत्ता लगाने वाले होते थे, गांव के लोगों को भूले भाले को लूटते थे, इतनी देर में दो रोटी खानी है, आप मेहनत करके भी इतने टाइम में रोटी दो खा सकते हो, क्यों भोले भाले लोगों को लूटते। एक दूसरा, किसी ने औरत को वाज कसी कर दी बम्बे कलकत्ते तक, हमने 12 साल ट्रक चलाया और बम्बे कलकत्ते तक लड़ाई लड़ी, करप्शन के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ। हमारे में सबसे यह खामी रही, अपनी आँखों के सामने किसी के ऊपर, गरीब के ऊपर, किसी धर्म का है, किसी वो प्रांत का है, किसी मजहब का है, कैसा है, जो अपनी आँखों के सामने किसी के ऊपर जुल्म नहीं होने दिया। देश के कोने से कोने तक, जंगलों में भी, चाहे यहाँ लाश का ना पता लगे, वहीं में रुके। वो देन हमारी नहीं, वो हमारे परमात्मा की देन है। हमें बल देना, हमें सोच दी उसने दी, अकाल पुरख ने, हमारे कलगियों वाले ने इतनी सोच दी, इतना बल दिया, कहते कहते आदमी को भी चुका दिया। आगे आज तक कोई बुढ़ापा आ गया बचपन से, आज तक आगे देश के कोने से कोने तक कोई हमारे सामने अड़ा नहीं।
इंदिरा जी से हमारी जो बात होती थी वो कभी पीछे नहीं हटी थी, कभी भी हम खुद पीछे हट जाते थे, टाइम कोई कदर करते खुद पीछे हट जाते थे, जो कहना एक पल में कह देना, सेकंड में मिनट में कह देना, मैडम ये होना चाहिए, जो हम कहते थे वो ही करती थी, एक भी बात हमारी इंदिरा जी ने नहीं टाली, हमारी बात उसके पसंद यही थी, सबसे बहादुरी से काम करना, सत का काम करना, जो लगा के अच्छा काम है वो उन्होंने करना, कि ये देश के मानवता के हित का काम है, सब मान के भले का काम है, वो ही उन्होंने करना, देश की शान और मान वाला। बचपन से मेरा रुस्से ना कलगियाँ वाला जग भवें सारा रुस जाए, असलियत तो सत तो इंसाफ तो मानवता तो पिछे नहीं हटना, मुँह देखी बात किसी ने नहीं करनी, चाहे कितना बड़ा कोई हो, कितना डाढ़ा हो, अपना हो या पराया हो, उसको धर्म में नज़र में रख के एक ही रखा कि गलत काम ना हो। मौत को बचपन से जब से होश हुई है, मैं सारा कटा वटा पढ़ा हूँ, जब इतना था सातवीं जमात से पढ़ने से हट गए, पढ़ रहे थे, घर लौट गया, हमारे गांव में 125 के करीब लाशें थीं छोटे बड़ों की, पिताजी भी शहीद हुए, हमारे चुबारे के अंदर 11 लाशें थीं। जब शहीद हुए तो हमें हमारे माताजी लेके निकल गई गांव से, वो माताजी सारी बातें बताती थी कि हम जो है मानवता गुरुद्वारे जाना, छोटे छोटे होते थे पंखा झूलना, भाजी से मुलाकात होती रहती थी हमारी, और पहली मीटिंग में हमने बोला, मैं रोड पर टमटा जी आए थे, नरसिंह आजाद ने बुलाया था उनके स्वागत के लिए, वहाँ पहली दफ़ा मीटिंग में जीवन से बोले थे कांग्रेस की मीटिंग में कि भगत जी हम एक निर्णय करते हैं, आप किसी से एक रुपया मत लो, आपके इलेक्शन पर हम जिम्मेवार होंगे, एक रुपया आपको घर से नहीं लगाना पड़ेगा, हम अपने अपने इलाके के वर्कर जो हों इकट्ठा करके अपने अपने बूथों पर पैसा लगाएंगे, आपको जो भी जीत हार भगवान के हाथ में है, तो आपकी मदद जी है इस ढंग से होगी, जो करप्शन का मामला पैसा इकट्ठा करने का चंदा इकट्ठा करने का ये मत कीजिए आप। हमारी मुलाकात नहीं थी, हर बात करता था, जरा जो बात होती थी भगत जी मिनटों में आता था, ऐसा समा बदल गया, देखते देखते कांग्रेस के अंदर हम कहते थे कांग्रेस मैंडेट, कांग्रेस मैंडेट को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, जैसी कांग्रेस के पुराने नेताओं की नीति थी, विचार थी, मानव की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, वो विचार कांग्रेस में ज़्यादा स्वार्थी घुसते गए, विचारधारा कांग्रेस हटती गई, छुपती गई। इंदिरा जी गांधी जी के बारे जो कहते थे, शारदे में आई कि हमारे भाई रहते जेल मिल कॉलोनी में, जब लड़ाई हुई सब कॉलोनी जानती है, हमने 28 साल जेल मिल कॉलोनी का मालकाना हुकूक लड़ा, ये जेल मिल कॉलोनी जो है जब अमेरिका के प्रधानमंत्री जी आए थे तो तब खुली जी में यूनिवर्सिटी गए थे पंडित जी नेहरू के साथ, उन्होंने देखा कि ये झुग्गियाँ क्या, जमुना बाजार में झुग्गियाँ पड़ी थी, पंडित जी ने कहा झुग्गियाँ ये गरीब लोगों की, उन्होंने कहा ये आधा पैसा हम देते हैं, वो प्रधानमंत्री ने अमेरिका के ने आधा पैसा हमारा हिंदुस्तान का, जेल मिल कॉलोनी उनके लिए बनी थी, वो आए वो यहाँ से एक एक करके छप चले गए, खाली होगी जेल मिल कॉलोनी में, हम जैसे आ गया दरमियाने लोग जो चाहते थे मकान, कोई छिनी हुए और आज तक 50 का लिया, 100 का लिया, 200 का लिया, ताले तोड़े, 28 साल हमने केस लड़ा, 28 साल कितने आदमी कमेटियां बदली, हमने 4 कमेटियां बदली, 5वीं कमेटी में आके हमारा फैसला इंदिरा जी को जाते थे सीधे, हमें मालकाना हुकूक चाहिए, इसका 14 रुपये किराया होता था, 1 रुपया किसी से चंदारी हमने लिया, के शाह आया उससे हाथापाई हुई, भला बुरा बोला उसकी कोठी पर हाथापाई हुई के शाह से,
भगत जी ने हटाने की मनी पड़ी, बैठा था इतने भगत जी से हमारा प्यार था, तलक था, हम गारंटी लेते हैं लोगों के भले का काम करें। कोई कॉलोनी का आदमी कह दे 28 साल में गाड़ियां लेके जाते रहे रैलियों पर, डिपोटेशन यहाँ जलसे करते रहे, ए आई सी सी के आदमी आते थे हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को, दिल्ली सरकार को तो हम बुलाते ही नहीं थे, सीधे AICC से बात होती थी और कांग्रेस कमेटी में AICC के अंदर हम यहाँ तक काम करा कि इंदिरा जी हर बात मानती थी। पहली तो हमारे मुलाकात हुई भगत जी के साथ, इंदिरा जी के पास जब गए, हमारे पास एक गाड़ी थी, हम यहाँ तक लड़ते थे, हमें पता था आज़ादी कैसे ली है, जो गाड़ियाँ जलाता है सरकार की संपत्ति जलाता है सरकारी, वो सरकारी नहीं है, वो हमारी है, वो राष्ट्र की है, राष्ट्र हमारा है, देश हमारा है, देश के हम, देश किसी वायु का नाम नहीं, किसी के ऊपर जुल्म होता है, किसी का काम नहीं होता, धक्के खाता है, चक्कर काटता है, टाइम वेस्ट होता है, वो देश का टाइम वेस्ट होता है, वो देश में खुशहाली एक तरफ कहते हैं खुशहाली है, एक तरफ आदमी को रोटी खाता कमाता है। इंदिरा तक के हमारे यहाँ तक जान थी, जब पहली दफ़ा भगत जी जीते यहाँ, इतना तलक था, डिप्टी से बत्ता के बत्ता जी जनरल सेक्रेटरी थे, हम वाइस प्रेसिडेंट सीनियर डिस्ट्रिक्ट के, एक तरफ हमें ले गए, कहते जमुना पार में एक ही थाना होता था, एक ही डिप्टी होता था, एक ही 100 नंबर का डिप्टी होता था, कहते जी हमें इस आदमी से डर लगता, क्यों, हम अन्याय के खिलाफ बोलते थे, हम कभी ये परवाह नहीं करते थे ये सरकारी है छोटा या बड़ा या बदमाश है, डाटा दुश्मनी हो जाएगी तो होने दे, जैसी दुश्मनी उसको वैसी हमारे को, कोई चिंता नहीं दुश्मनी की हमें, हम इंसाफ पर सत पर चलते थे, एक ही बात डर के मन में, मेरा रुसे ने कलगियाँ वाला जग हमें सारा रो जाए, हमें आज तक करनी लगी, इसी बात ने हमें कॉलोनी का जो मालकाना होगा 28 साल बाद फैसला हुआ, हमारी गाड़ी में रजिस्ट्रियाँ भरी थी, मनजीत सिंह ने यही आगे कॉलोनी के अंदर रजिस्ट्रियाँ बांटी। राजनीति में इसलिए नहीं आए, हमें बुलाया गया कि अकबाल सिंह ने बुलाया, उस दिन गुलजारी लाल अपने बंसी लाल जी सेंटर में आए थे, तो उस दिन बुलाया गया, आपको बुलाया, मैं क्या भी चलो मैंने लेटर को भेजा था, इंदिरा जी ने बुलाया होगा, गए हमें ये मिला वहाँ से संदेश कि आप इलेक्शन लड़िए, AICC में टॉप में नाम है आपका, आपका टॉप में नाम है AICC में, इलेक्शन लड़िए। हमने कहा इलेक्शन नहीं लड़ना, हमने सेवा करनी है, सेवा कोई छीन नहीं सकता, इलेक्शन आज लड़ेंगे कल नहीं, बिल्कुल नहीं, सेवा करनी है, हम सेवा कर रहे हैं, नियम है, हमने खून से दो था इंदिरा जी को लेटर लेके भेजा, मैडम आखिरी दम तक हम सेवा करेंगे, आज हमारे से चला नहीं जाता, पार्क में जाते हैं कोई पौधा लगा देते हैं, पौधा हर आदमी को अच्छी हवा देगा, सफाई कर देते हैं, गंदगी हो वो उठा लेते हैं, प्रधानमंत्री हमारा आज झाड़ू मारता तो हम गंदगी डालते हैं, आगे देख लो घरों में और पार्कों में सड़कों में क्या हाल है। हम सन 57 से कॉलोनी में आए हैं, सन 57 से जब ट्रक चलाते थे कुछ देर नहीं, उसके बाद 65 में के करीब हमारी शादी हुई है, फिर कॉलोनी में हमारा पूरा वासा आ गया 65-64 से हैं, तो आते जाते 57 से हैं, उससे 64 के करीब से ले के आज तक 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं बच्चों को बताने के लिए, ये बहुत मुश्किल आज़ादी मिली है, ये देश हमारा, हम देश के हैं, और बच्चों को पढ़ाते हैं, लय करते हैं, हर आदमी को कहते हैं जितना कोई भला कर सकता करो, जो नहीं भला कर सकते किसी का बुरा मत करो, जलेबियाँ खिलाते हैं, रोटी देते हैं, नाम देते हैं, कापियाँ किताबें देते हैं, 2-3 क्लासें पंजाबी की लगी, फ्री पढ़ाते हैं, आज तक हम बच्चे पढ़ाए हैं 1300 के करीब पढ़ाए हैं, 1999 में 300 साल जब था पंथ का शुरुआत अमृत छिकाने का, तब से हमने महाराजा स्वरूप ला के पढ़ाई शुरू कर दी, तब से बच्चों को पढ़ाते हैं, और हर साल बच्चों को 26 जनवरी में 15 अगस्त में जलेबियाँ पेट भर के खिलाते हैं, उनको जे बच्चों को कहते हैं भाई झूठ नहीं बोलो, बुरा ना करो, सत्य पर चलो, देश अपना, हम देश के हैं, तिलीम करो, अगर आप लायक बनोगे
तो आपकी पहले जिंदगी सुधरेगी, ठीक होगी, अच्छी गुजरेगी। तीन बच्चे हैं, एक लड़की है, वो बेहद ही बच्चे दो हैं, वो दुकानें अपनी करते हैं, रोजी अपनी कमाते खाते हैं। वो भी आज हमें महसूस कभी कभी होता है जब आके डिस्टर्ब कर देते हैं, रोटी घर में रोटी खाते कमाते बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारा सीना फट जाता है। कैसे आज़ादी ली, कैसे हमारे गुरु पीर पैगंबर जो सूरवीर कुर्बान हुए, खून की नदियाँ बहेगी। आज सरकारी मुलाजम आके किसी वजह से अपने घर पर रोटी खाते आते डिस्टर्ब करते हैं रोटी कमाने कमाने वाले को। हम उनको कहते हैं भाई किसी को रोटी दे नहीं सकते, रोटी छीनो नहीं, ट्रेवल नहीं करो। और ग्रेजुएशन बच्चे तीनों ग्रेजुएशन है, नौकरी नहीं कराई बच्चों को, नौकरी करनी नहीं, नौकरी पर दूसरों को लगाना है, नौकरी पर लगाना है, नौकरी करनी नहीं, इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको। लायक बनाओ, लोगों को रोजगार दो। हमारा एक दोस्त नहीं रहा, अभी एक नहीं रहा, सब चले गए, हमारे बाजू कट गए। HB सिंह, CB शर्मा जो के हमारे पूरा साथ दिया, कॉलोनी का लिखा पढ़ी का, ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन का साथ दिया, कॉलोनी का साथ दिया, कोई न्याय हुआ कुछ भी हुआ उन्होंने पूरा लिखा पढ़ी का साथ दिया। ठीक है, उन्होंने लिखा पढ़ी फ्री करी, जमुना पार के स्टूडेंट थे 84 के दंगों में, पूरा साथ दिया, दो राइफलें लेके आगे यहाँ बैठ गए। दरिया हुसैन ने एक सिपाही थानेदार भेज दिया, जब तक जिंदा जे रहेंगे मानव के हानिकारक कोई आपकी तरफ बढ़ेगा नहीं। हम खूब साइकिल लेके घूमे, हम तो मरने को, रोशन सिंह ये प्रेसिडेंट था, हम यहाँ तक लड़े हैं कि अपने स्वार्थ को दूर रख के मौत को गले लगा के आज मरे कल मरे, मरने का हमारे दिल में शौक था, बहुत था, एक था बहुत कि ऐसा कर्म ना हो जाए मरने के बाद कोई उंगली उठाए कि जे इसने काम किया, बस ये बहुत था। मौत को गले लगा के रखा, आज भी कह मरने को तैयार होते हैं एक मिनट में बुराई के खिलाफ, कोई चिंता नहीं हमें। सारे देश को बच्चों को अपने बच्चे समझता हूँ, नए काम करो जो दुनिया याद रखे, मानदार करो जो जो जीवन भगवान ने दिया है, इंसान बनाया है, इंसान बन के जियो। मेरे फादर की ईमानदारी ऑनेस्टी जैसे जीवन यापन करने के लिए भी उन्होंने ईमानदारी से काम किया है, ये नहीं कि अपनी विलासिता अपने जीवन के लिए या बच्चों के लिए कि दूसरे गलत तरीके से कि पैसा कमाया जाए, ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो हमें भी यही कहते हैं जो काम करना है आपने, पैसे ये नहीं पैसे को आपने अमाउंट में इंक्रीज करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये सही तरीके से अपना काम करना है। जीवन तो है, जीवन चल ही रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, परंतु जो भी ऑनेस्टी से काम करना है, छोटा आदमी है या बड़ा आदमी है, छोटे आदमी से हमेशा प्यार से बात करो। अगर कोई बड़ा आदमी गलत काम कर रहा है उसको टोकना जरूर है आपने, मेरी ये उनकी दृढ़ता है। और किसी भी काम में अगर लग जाता है, काम सही है ना, तो उसको करना ही करना है उन्होंने, चाहे उसके लिए सारे परिवार वाले उनके विरुद्ध हो जाए या आपकी सेहत ठीक नहीं है या किसी भी तरह से आपको लॉस हो सकता है। उन्होंने इस चीज़ को कभी नहीं अपने जीवन में देखा, तो वो काम उन्होंने अपने पूरे बेशक ये नहीं देखा पीछे कोई मेरी भीड़ है कि नहीं, अगर काम सही है तो उन्हें अकेले दृढ़ता से उसको निभाना ही है। तो ये हमने वो देखा है और सीखा भी है, उन्होंने अपने काम में सफलता भी पाई है काफ़ी कामों में। तो इसलिए हम भी ये सोचते हैं काम अगर कोई है सही है उसका लक्ष्य तो उस पर हमें अग्रसर होते रहना चाहिए, तो उसमें सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। सच का साथ देना, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी वो शिक्षा पूरे जीवन हमारे साथ रहेगी, और उसी शिक्षा के माध्यम से आज हमने जो तरक्की करी है, जिस मुकाम पर हमारी फैमिली हम लोग पहुंच चुके हैं, ये सब उन्हीं की बदौलत है। मुश्किल दिनों को जो आदमी भूल जाए तो अच्छे दिनों का मज़ा वो नहीं ले पाता, तो हम लोग उन दिनों को याद रखते हैं और आगे और तरक्की करने के लिए अपने पिताजी की दी हुई प्रेरणाएं, जो उनकी बातें हैं, उनको अपने मन में अपने दिमाग में बिठा करके रखते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर हम अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये तो साल में दो फंक्शन आते हैं जो वो उन्होंने तो करने ही हैं। इसके अलावा जो उनकी रोज़ की दिनचर्या है उसमें वो अपना पूरा वक्त पेड़ पौधों में लगाते हैं, पार्क में काफ़ी पेड़ लगाए हैं उन्होंने, गमले में पेड़ लगाए हैं। उनका स्वभाव है वो
पेड़ को अपने बच्चे की तरह मानते हैं, वो कभी भी बड़ा पेड़ नहीं लगाते, हमेशा छोटा पेड़ लगाएंगे, फिर उसकी वो देखभाल करेंगे, उसको खाद पानी जो जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उसको, वो उसकी पूरी ज़रूरत को पूरा करके उसको बड़ा करते हैं, उसको इनमें उनको आनंद मिलता है। सुरजीत सिंह खेरा जी को मैं बहुत ही बचपन से जानता हूँ, बहुत ही अच्छे और नेक इंसान और सामाजिक व्यक्ति हैं और हर धर्म में उनका विश्वास है। उसके अलावा जब कभी भी इस क्षेत्र में कोई भी घटना घटी हो, चाहे वो 84 की हो, चाहे बाबरी मस्जिद का समय हो, उन्होंने आगे बढ़कर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के और इस तरीके का अमन चैन का प्रयास किया क्षेत्र में, जिससे कि एक मिसाल के रूप में वो यहाँ पर माने जाते हैं। गरीबों की तो मदद करते ही हैं, उसके अलावा सोशल जितनी संस्थाएं हैं उनके साथ भी कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। सरदार सुरजीत सिंह खेड़ा जी एक देश प्रेमी परिवार से हैं, इनके बाबा जीवन सिंह जी और इनके भाई, इनके भतीजे, इन्होंने देश के लिए शहादत दी है, एक शहीदी परिवार है और शायद उसी का असर है सरदार सुरजीत सिंह खेड़ा पर कि वो हमेशा देश के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं और बहुत कुछ उनका योगदान इस देश के लिए, समाज के लिए है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ये दिन ऐसे हैं, हमने वो दिन भी देखे हैं जब इनके यहाँ अगर कोई आदमी नहीं भी आया और कितने ही आंधी तूफान हो तो तब भी इन्होंने 15 अगस्त 26 जनवरी पर तिरंगे झंडे को फहराया है। हम तो बचपन से जब से इनको देखते आ रहे हैं, वो सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम यहाँ बड़े धूमधाम से मनाते हैं, कोई भी समाज का यहाँ कोई काम हो उसमें वो अग्रसर रहते हैं। आज से मैं उनको करीब 20 वर्षों से इनको लगातार ध्यान दे रहा हूँ। वो किसी भी समस्या को होते हैं वो अक्सर समाज से चर्चा करते हैं और वो कभी भी कोई गलत काम हो रहा है तो वो किसी की परवाह नहीं करते, वो किसी की ये नहीं परवाह करते कि ये गलत है या सही है, वो गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही बोलते हैं। उनकी एक खासियत मैंने देखी, समाज के प्रति, देश के प्रति जो लगन इनकी है आज शायद हमारे अंदर भी नहीं है। जो चीज़ वो देख, वो आज ये भी कहते हैं कि जो देशभक्तों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जैसे फांसी लगाई है, जो आज देश में हो रहा है इसकी उम्मीद वो भी नहीं करते थे, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। सुरजीत सिंह खेरा जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, बचपन से मैं उनको जानता हूँ, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी दीर्घायु की, उनके अच्छे स्वास्थ्य की और उन जैसे लोग हर घर में पैदा हों, उन जैसे लोग हर समाज में हों, ईश्वर से यही प्रार्थना है। मैंने उनके बारे में एक सोशल वर्क करने का ये सीखा, जो सोशल, ये जो सोशल वर्क एंड जो सोसाइटी के टूवर्ड्स की, हाँ की जो इनकी मेहनत है कि हाँ कि हमें कुछ अपनी साइड से कुछ अपना कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपनी सोसाइटी में, अगर कुछ नेगेटिव चीज़ हो रही है या फिर कुछ गलत हो रही है, उन्होंने हमेशा उसके अगेंस्ट एक्शन लिए है। इस एज में भी जो उनके अंदर जो एक एनर्जी है कि हमें अपनी कुछ करना है तो वो स्टिल है। लव यू दादा, वी आर वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, कीप गुड गोइंग।